एक कहावत है कि मंजिल की खुशी से ज़्यादा अधिक खूबसूरत वह सफ़र होता है जिस पर चलकर आप मंजिल तक पहुँचते हैं, क्योंकि सफ़र संघर्षों से भरा होता है। ऐसे ही एक खूबसूरत सफ़र के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में जानकर देश के युवाओं में एक प्रेरणा जाग जाएगी। रोहित टोकर्स, जी हाँ, वही रोहित टोकर्स जिन्होंने अभी बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए ब्रॉन्ज लाकर देश को गौरवान्वित किया है। आज हम आपको बताएंगे कि किन परिस्थितियों में रोहित ने कॉमनवेल्थ 2022 खेला और गोल्ड हासिल क्यों नहीं कर पाए। रोहित टोकर्स का जन्म 1 अगस्त 1993 में दिल्ली के मुंडरिका गांव में हुआ था। शुरू से ही उन्हें खेल में रुचि थी, उन्होंने अपना करियर बॉक्सिंग को चुन लिया। जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की तो उनके प्रथम गुरु उन्हीं के गाँव के रहने वाले राजेश टोकर्स जी थे। बताया गया है कि राजेश टोकर्स जी ने मुंडरिका गांव में 2002 में बॉक्सिंग की शुरुआत की। इसी सफ़र के उनके दूसरे गुरु प्रीतम टोकर्स हैं, जिन्होंने उनकी योग्यता को निखार कर उन्हें इस मुकाम के लिए परिपूर्ण बनाया। प्रीतम टोकर्स जी से हमारी बात हुई तो रोहित टोकर्स के संदर्भ में उन्होंने हमें काफ़ी जानकारी देते हुए बताया कि रोहित एक प्रतिभाशाली और मेहनती खिलाड़ी है। उसे आराम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वह हमेशा अपने लक्ष्य की ओर एकाग्रत रहता है। जब हमने उनसे रोहित के सफ़र को साझा करने के लिए कहा तो उन्होंने हमें विस्तार में बताया कि रोहित को बॉक्सिंग वेल्ट लिफ्टिंग की पहली शिक्षा राजेश टोकर्स जी से मिली है। राजेश टोकर्स जी ही उनके सीनियर गुरु हैं। फिर 2010 में मुझे रोहित टोकर्स जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी को ट्रेनिंग देने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि इस बच्चे से मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन इसका सफ़र आसान नहीं था, अभी भी ये मुश्किल में है। उन्होंने बताया कि साल 2014 में जब उनका सिलेक्शन ग्लासगो कॉमनवेल्थ में हो गया तो ये जाने की पूरी तैयारी कर चुके थे, लेकिन अंत में इनको पता चलता है कि इनका वेट ड्रॉप हो गया है। वेट ड्रॉप का मतलब है कि जिस वेट कैटेगरी में ये लड़ना चाहते थे वह कैटेगरी गेम ने आउट कर दी। फिर साल 2018 में इनका सिलेक्शन एशियन गेम्स में हो गया तो फिर इनको अचानक प्रैक्टिस के दौरान इंजरी हो गई, जो इतनी सीरियस थी कि उनके घुटनों का ऑपरेशन करना पड़ा, जिसके कारण एशियन गेम्स में भी नहीं खेल पाए। फिर नी इंजरी से उभरने के बाद उन्होंने कोच राजेश टोकर्स और प्रीतम टोकर्स के प्रशिक्षण में 2020 टोक्यो ओलंपिक की तैयारी शुरू कर दी, और तैयारी इतनी तेज और इतनी बढ़िया थी कि उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के सभी चैंपियंस को हरा कर 2020 टोक्यो ओलंपिक के सिलेक्शन में अपना नाम दर्ज कर लिया। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी एक बार फिर किस्मत इनका साथ नहीं देती है और उनकी इंजरी फिर से उभर जाती है और टोक्यो ओलंपिक से अपने कदम वापस लेने पड़ते हैं। कुछ दिनों बाद जब फिर से यह सही हो जाते हैं तो वापस अभ्यास में लग जाते हैं और इस बार यह बोलते हैं कि अब चाहे जो हो जाए 2022 कॉमनवेल्थ खेलना ही है। साल 2022 आता है, कॉमनवेल्थ गेम्स वेल्ट लिफ्टिंग 67 kg में सिलेक्शन होता है। रोहित सीधे बर्मिंघम पहुंचते हैं, लेकिन किस्मत को आदत थी उनकी परीक्षा लेने की। होता क्या है कि इनके नी में स्वेलिंग आ जाती है, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि अब चाहे जो हो खेल कर जरूर जाना है। खेलने के बाद यह ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर लेते हैं, लेकिन इनका टारगेट गोल्ड था, क्योंकि यह मन बना चुके थे कि इतने साल से इंतज़ार किया है, इतनी मेहनत की है, अब तो पूरा खेलना है। लेकिन स्वेलिंग काफ़ी बढ़ चुकी थी और दर्द भी बहुत था, लेकिन इसी दर्द के साथ ये मैदान में उतर जाते हैं। आखिर में इनके पैर इनका साथ नहीं देते, 3-2 की लड़ाई लड़ने के बाद भी ब्रॉन्ज से ही संतुष्ट होना पड़ता है। लेकिन टोकर्स जी ने हमें बताया कि वह संतुष्ट नहीं है, अब उनका लक्ष्य चाइना एशियन गेम्स और ओलंपिक है। कॉमनवेल्थ गेम्स से वापस लौटने के बाद इनके गाँव मुंडरिका में इनका बहुत भव्य स्वागत किया जाता है, और भारत वापसी में इनके भव्य स्वागत के दौरान उनके साथ उनके गुरु श्री प्रीतम टोकर्स और श्री राजेश टोकर्स भी मौजूद रहे। तो दोस्तों, जिस तरीके से हमने आपको बताया कि एक खिलाड़ी के लिए एक मेडल सिर्फ एक मेडल ही नहीं, बल्कि उसकी शारीरिक, मानसिक और हर तरीके की मेहनत की निशानी होता है, जिस तरीके से रोहित टोकर्स ने इतनी परेशानी और इतनी इंजरी से लड़ने के बाद भी, इतनी निराशा हाथ लगने के बाद भी हार ना मानते हुए आखिरकार ब्रॉन्ज हासिल किया, ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी पर देश को अभिमान है। इस खिलाड़ी के लिए एक लाइक तो बनता है।